आज बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी जिसे मैं बर्फी से बनाने जा रही हूँ। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए बर्फी, यहाँ पे मैंने इलायची बर्फी ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इलायची साफ नजर आ रही है। इसके साथ हमें चाहिए दूध, यहाँ पे मैंने एक ग्लास दूध लिया है, 5 हरी इलायची जिसके मैंने बीज निकाल के क्रश कर लिया है, किशमिश यहाँ पे मैंने 30 से 35 किशमिश ली है, और इसके साथ ही हमें चाहिए बादाम, यहाँ पे मैंने 15 बादाम लिए जिसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। बस हमें यही सब सामग्री चाहिए। जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये बर्फी से बनती है और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना, आप सबको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है, बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार भी हो जाती है। जैसे कभी कभी होता है हमारे यहाँ बहुत बर्फी आ जाती है, बहुत मिठाई आ जाती है और हमारा मिठाई खाने का मन नहीं करता, तो उस टाइम पे हम इस तरह से इसको बनाकर यूज कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बर्फी से रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और बर्फी को क्रम्बल कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सारी बर्फियों को क्रम्बल कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर चाकू की सहायता से इसको छोटा छोटा काट भी सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी बर्फी को अच्छे से क्रम्बल कर लिया है। अब हम रखेंगे कढ़ाई गैस पे और उसमें दूध डाल देंगे। जो हमने एक ग्लास दूध लिया था उसको हम इसमें डाल देंगे और दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो चलिए पहले थोड़ा दूध को, अभी दूध गर्म होने लगा है, अब हम फ्लेम लो कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं इलायची जो हमने इलायची क्रश करके रखी है। मिला लेते हैं इसको। इलायची डालने से ये होगा कि दूध में बहुत ही अच्छा इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी क्रम्बल की हुई बर्फी। और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। हमारी बर्फी थी दूध में बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है और मैं इसमें यहाँ पे चीनी बिल्कुल भी नहीं मिला रही हूँ। आप भी ना मिलाएं क्योंकि इतना ही बहुत ही अच्छा मीठा होता है, तो इसमें चीनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर और हमें इसको ऐसे ही पकाना है और फिर फ्लेम ऑफ कर देनी, ये बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। अब ऐसे इसको बना के जरूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत तरीकों से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत रबड़ी जैसा आपको लग रहा होगा पर इसका टेस्ट रबड़ी से बहुत अलग है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप इसको ऐसे गरम गरम चम्मच की सहायता से भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है गरम गरम। आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस काफी अच्छा है। इसके अलावा आप इसको एक बाउल में जैसे सर्व करने के लिए निकालें तो उसमें एक गुलाब जामुन जो ब्लैक कलर का होता है उसको इसमें डिप करके भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। या अगर आप व्हाइट भी लें तो जैसे हम व्हाइट रसगुल्ले वाली रबड़ी सर्व करते हैं वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आप इसको एक बार ऐसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल मैं इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ बना रही हूं, तो मैं इसमें डाल देती हूं अपनी किशमिश और बादाम क्रश किया हुआ और इन दोनों को अच्छे से मिला लेती हूँ। ये ऐसे ही बहुत अच्छा होता है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म रेसिपी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप इसको गर्म खाना चाहते हैं तो गर्म खाइए, ठंडा करके खाना चाहते हैं तो ठंडा करके खाइए, ये दोनों ही तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और या तो आप इसको गुलाब जामुन के साथ खाइए या रसगुल्ले के साथ, ये उन दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है और ये आपको तभी पसंद आई जब आप इसको एक बार अपने घर में ट्राई करेंगे। तो ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, इसमें बहुत ही ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरी 2 मिनट वाली रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। थैंक यू।